हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है गोडसे तो गोडसे फिल्म का हिंदी और तेलुगु ये दोनों वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू करने वाले जहाँ पर हम टेक्निकली म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी डीप में एनालिसिस करेंगे स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन देंगे उसके ऊपर एनालिसिस की जाएगी स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में भी बातचीत करने वाले इसके अलावा फिल्म फिल्म एक कोरियन का रीमेक है तो वो कोरियन फिल्म और इस फिल्म के बीच में कंपैरिजन करके बताएंगे कौन सी कोरियन फिल्म का रीमेक है उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं से जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीज़ें गोपी गणेश पतभ ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक सौ मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे बाईस मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगू नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गेस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरुचरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पे इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टेक ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी ग्यारह फरवरी दो हज़ार इक्कीस को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है गोड से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेजिस बनाया हुआ है बिग बीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोड से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराणा आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोड़से के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोडसे का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहाँ पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेसियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमैक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमेक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते हैं। और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट को देखने में काफ़ी ज़्यादा और टॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नज़र आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था, था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पर कई सीन्स जो सेकेंड हाफ आप में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल cool मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टेजी ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलगू लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स जहां पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर, बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटिकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गई लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज़ के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहां पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलगू वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज अगर आदित्य मूवीज के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है, के पास है तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब ड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोडसे जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीजें गोपी गणेश पतभ ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नगोसिएसन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहां पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे 6.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि 114 मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे 22 मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियनाइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो ये तेलुगु और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज़ बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेसलाइन लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से री और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें तो सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला बरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गीस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टेक ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ, हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड खत्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो से के सामने किस तरह से अपने पेतरे आज़मा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचरा ना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चेतनया को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोड़से का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहां पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक टोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सिक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलगू लैंग्वेज में डेब्यू करती हुए नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिस ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमैक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुए उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवता आपको नज़र नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नजर आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमेक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और टॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नज़र आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से, से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टेजी ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी पे करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगु लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस, कर, बीस 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 लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटरकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी टी, टी राइट्स से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सो कलेक्शन करके ले गए लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट सेटेलाइटरी ओटी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगु वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज़ अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए हैं अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब ड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथिंग सब टाइटल अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोड से जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीज़ें गोपी गणेश पतभ ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानी किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे कि द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनी जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक सौ मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे बाईस मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज़ बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेज लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गेस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरुचरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टैग ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहां पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है गोड से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेजिस बनाया हुआ है बिग बीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोड से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली इस किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल कोलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोड़से वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहां पे सत्यदेव कांच जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेसियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिस ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमेक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दिए हुए उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमैक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते हैं और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और डिटॉप और सीले नज़र आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नजर आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से, से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिस्ट ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डर लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें इसी में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट हाफ का थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टलेज ड्रामा है वो और सत्यदेव कांच की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी पे करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगु लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओ टी, टी राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस, कर, बीस 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 लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटरकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओ टी टी से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गई लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ सॉरी ओटीटी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगू वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलगू लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए हैं अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डबड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगू वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोड से जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीजें गोपी गणेश पतब ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे कि द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन 142 मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे 22 मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नज़र आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गेस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पर इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूज़िक बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टैग ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है गोडसे और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोड़ से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोड़ से के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोडसे का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहाँ पे सत्यदेव कांचरांजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सिक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमैक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमेक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफी ज्यादा और टॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेजिस ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नज़र आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पर कई सीन्स जो सेकेंड हाफ आप में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा होस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टेजी ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलगू लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स जहां पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर, बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटिकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी राइट्स टी, -टी राइट से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गई लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहां पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही अवरनाथ इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगु वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद, विद सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज़ अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए हैं अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहाँ पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब्ड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविजन पर फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोड से जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीज़ें गोपी गणेश पतब्बी ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे कि द नेगोशिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन 142 सौ मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे बाईस मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज़ बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें तो सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गीस पृथ्वीराज न्योल सिन प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पे इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदयगन ला ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टैग ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेजिस बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोडसे कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फिल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचरा आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोडसे का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहाँ पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमेक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दिए हुए उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमैक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं, जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते हैं और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और डिटॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेजी ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नजर आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की शो शो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ आप में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीज़ सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको बचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा होस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टलेज ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगू लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स जहां पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस 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 लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटिकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओटीटी राइट्स से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गए लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगू वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पर फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोडसे जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीजें गोपी गणेश पतभ ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये एक करियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नगोसिएसन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जीन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे 22 मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियनाइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज़ बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेसलाइन लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें तो सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला बरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गिस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहां जहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूजिक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूजिक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टेक ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहां पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेजिस बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोडसे कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आज़मा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चेतनया को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोड़से का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहां पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोज शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो एक फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचन राना के थ्रू एक क्लाइमेक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमैक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं, जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते हैं और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और डिटॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ले लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेजी ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नजर आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ आप में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ़ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीज़ इसी लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो होस्टेजी ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी पर करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगू लैंग्वेज के सेटेलाइट और ओ टी टी राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर, बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटरकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गए लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में तक अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगु वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज़ अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलगू लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर हिंदी डब वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब ड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोडसे जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीज़ें गोपी गणेश पतभ ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे नेगोशिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आईएमडीबी पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आईएमडीबी पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे 22 मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियनाइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज़ बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें तो सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला बरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गी पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले है तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सीके स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टेक ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ, हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है गोडसे और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो से के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फिल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चेतनया को इस फिल्म में साइंटिस्ट एड के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोड़से का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहां पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलगू लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजीज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचा राना के थ्रू एक क्लाइमेक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमैक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं, जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते हैं और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और डिटॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नजर आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ आप में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीजों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली मैनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट हाफ का थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज़ किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टलेज ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी पे करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट से उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगू लैंग्वेज के सेटेलाइट और ओ टी टी राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर, बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटरकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओ टी टी से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गए लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिलीज किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में तक अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलगु वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज़ अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाए सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टी वी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथिंग सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर हिंदी डब वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांद इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डब ड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोड से जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीज़ें गोपी गणेश पतभ भी ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानी किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे कि द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक सौ मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे बाईस मिनट के आसपास की है फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नजर आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गीज पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरु चरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टेक ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें, तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है गोड से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये गोड से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फ़िल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराना आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट एड के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोडसे का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहां पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलती है सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुई नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पर होस्टेजिज ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमैक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमेक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते हैं जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा और दिटॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नज़र आएगा म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो रल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज़्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टेजी ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी पर करीबन छः सौ वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से है, उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलगू लैंग्वेज के सेटेलाइट और ओ टी टी राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर, बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटरकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओ टी टी वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सौ कलेक्शन करके ले गई लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ सॉरी ओटीटी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने ख़रीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलुगू वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीजें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पर हिंदी डब वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांद इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए हैं अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डबड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगू वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे गोड़ से जो 2022 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग ये सभी चीजें गोपी गणेश पतब ने की हुई है जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने अपने ही बैनर के नीचे यानि किसी के स्क्रीन के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है किसी रीजनल फिल्म का जो मीडियम बजट होता है उसी हिसाब से इस फिल्म को बनाया हुआ है इसके अलावा ये कोरियन फिल्म का रीमेक है जहाँ पे उस फिल्म का नाम था द नेगोशिएशन और वो 2018 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका ये रीमेक बना हुआ है अब ये ऑफिशियल रीमेक है या अनऑफिशियल वो पता नहीं चला है जहाँ पे द नेगोसिएशन को डायरेक्ट किया हुआ था लिंग जोंग सियोक ने वहीं पे उस फिल्म के लीड रोल में थे सोनिए जिन और ह्यून बिन और उस फिल्म को सितंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर 2018 को साउथ कोरिया में जहाँ पे उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे वो फिल्म ने जितना कलेक्शन किया हुआ था वो करीबन 10 बिलियन के आसपास का बजट था उसके सामने पंद्रह मिलियन जितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिया हुआ था तीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जो आइडिया था लोगों को कितना पसंद आया था उस फिल्म का रन टाइम था एक घंटा और चौवन मिनट जहाँ पे उस फिल्म को आई पे छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से तैंतीस सौ वोट मिले हुए आई पे तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अच्छा खासा धमाका मचाया हुआ था वहीं पे द नेगोशिएशन फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक घंटे चौवन मिनट यानी कि एक सौ चौदह मिनट का रन टाइम है वहीं पर गोड से फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है वो करीबन एक सौ मिनट के आसपास का है यानी कि दो घंटे बाईस मिनट के आसपास की ये फिल्म है तो जो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है रन टाइम में आधे घंटे का तो वहीं फ़िल्म की कहानी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म को इंडियनाइज़ किया हुआ है वो एक कोरियन फिल्म है तो वहाँ पे वहाँ की नेटिविटी के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था अब उसी चीज़ को इंडियन आइज तेलुगु नेटिविटी के हिसाब से उन्होंने एडअप्ट किया हुआ है स्क्रीन प्ले को कहानी को जहाँ पे जो कैरेक्टर है लीड किरदार उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो ये तेलुगू और इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए उस हिसाब से चेंजेस किए हुए अदरवाइज बाकी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट था जो एक बेस लाइन थी वो सेम देखने को मिलती है जो एक फिल्म होनी चाहिए से रीमेक और ओरिजिनल के बीच में वो सेम नज़र आएगी इसके अलावा गोडसे फिल्म का लीड कास्ट है वो उसके बारे में बातचीत करें सत्यदेव कांचराना ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रह्मा जी तनिकेला भरानी नागेंद्र बाबू सीजू मेनन मैथ्यू वर्गेस पृथ्वीराज न्योल सिंह प्रियादर्शी पुलिकोंडा चैतन्य कृष्णा पवन संतोष गुरुचरण शशि कुमार राजेंद्रन और रवि प्रकाश जैसे कहीं बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ जहाँ पर इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ है सुरेश सरगम ने एडिटिंग में काम किया हुआ है सागर उदगन ला ने म्यूज़िक की बात करें तो सेंडी अदंकी का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी सी स्क्रीन ने करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को एक डिसेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छे खासे कलेक्शन के साथ एक डिसेंट कलेक्शन के साथ हिट का टैग ले गई थी और अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 11 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज के लिए ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेब्यू फिल्म थी वहीं पे इस फिल्म को करीबन चार छः महीने के अंदर शूट करके कंप्लीट करवा लिया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग और फिल्म का फाइनल कट क्रिएट करके सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट लिया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था जिस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया था वो लोगों को थोड़ा पसंद आया हुआ था फिल्म का थ्रिलर एक्शन जोनर पसंद आया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की कहानी में आपको कॉप के रिगार्डिंग जो हैदराबाद में कॉप से वो एक हाई अलर्ट के ऊपर है जो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए है जिसका नाम है से और वो रोल प्ले करे सत्यदेव कांचराना जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है बिग वीज जैसे कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो उनको इसलिए पकड़ रहे कि उनके पीछे उसकी कोई डिमांड है अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाती है तो उनको छोड़ देंगे वैशाली जिसका रोल प्ले करे ऐश्वर्या लक्ष्मी तो वो इस केस को सोल्व करने के लिए आती है अब ये से कौन है उसकी बेक स्टोरी क्या है वैशाली किस को इस केस को किस तरह से हैंडल करती है वो गोडसे के सामने किस तरह से अपने पेतरे आजमा के इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है और फाइनली केस को किस तरह से क्लोज करेगी वही फिल्म की कहानी है इस फिल्म की कहानी में सत्यदेव कांचराणा आपको विश्वनाथ रामाचंद्र यानी कि गोडसे के रोल में दिखाई देंगे ऐश्वर्या लक्ष्मी को वैशाली का रोल दिया गया है ब्रह्मा जी ने स्पेशल ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है तनिकेला भरा ने आपको रिटायर्ड जज के तौर पे दिखाई देंगे नागेंद्र बाबू ने गवर्नर का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है नोएल सिंह को गोडसे के फ्रेंड के रोल में दिखाया हुआ है प्रिपुल पुलिकोंडा प्रियादर्शी को हेकर के रोल में दिखाया हुआ है कृष्णा चैतन्य को इस फिल्म में साइंटिस्ट एस्पायर के रोल पे दिखाया हुआ है जो गोडसे का फ्रेंड है वहीं पे रवि प्रकाश ने करप्ट एसआई का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के एक्टर जहाँ पे सत्यदेव कांचराजना जो फिल्म के लीड एक्टर है वो सबको फिर से एक बार प्रूव करते हुए नजर आते हैं कि वो एक काफी सॉलिड और एक बेहतरीन एक्टर है जो अपने एक्टिंग एबिलिटी से फिल्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे उनका सेंसिबल एक्ट फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म का टोन है उसको अच्छी तरह से फिल्म का जो एक जोनर है उसको अच्छी तरह से पकड़ता है और वो सभी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में वो हमारे सामने डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलॉग डिलीवरी उनके पंच लाइन उनके एक्शन सीक्वेंस में उनका काम वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी जहाँ पे इस फिल्म में उन्होंने कुछ सीन में जो की सीन से उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है वो आपका दिल जीत लेगी वो आपके दिमाग में से फिल्म ख़त्म होगी उसके बाद भी नहीं जाएगी जहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं सत्यदेव कांचराना के ऊपर और उन्होंने अपनी जो लाइन से जो डायलॉग से जिस कन्विंसन के साथ बोला हुआ है उसमें जो फेसियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे ऐश्वर्या लक्ष्मी जो इस फिल्म के थ्रू तेलुगु लैंग्वेज में डेब्यू करती हुए नजर आती है उनको कुछ अच्छे सीन्स दिए गए थे जहाँ पे उन्होंने बढ़िया तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की हुई है उनके जितने भी सीन्स सत्यदेव कांचराना के साथ क्रिएट किए हुए डायरेक्टर ने उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था और वो सभी सीन्स का आउटपुट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ पे होस्टेजिस्ट ड्रामा देखने को मिलता है जिसको काफ़ी डिसेंट मैनर में शोकेस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में आपको सत्यदेव कांचनाना के थ्रू एक क्लाइमैक्स में स्पीच सुनने को मिलेगी उस स्पीच में जो लिखावट देखने को मिलती है वो काफ़ी टाइट और काफ़ी बेहतरीन थी जहाँ पे जिस तरह से एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है उस कहानी के थ्रू कम से कम शब्दों में काफ़ी बेहतर वे में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की हुई है जहाँ पे सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते कहानी के थ्रू जो क्लाइमेक्स में जो स्पीच दी हुई उसके थ्रू वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है फिल्म का ड्रॉबैक बात करें तो इस फिल्म में कोई किसी भी प्रकार की देवथ आपको नजर नहीं आएगी इमोशनली ये फिल्म कहीं भी बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाएगी सत्यदेव का जो कैरेक्टर है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा भी सिंपथाइज नहीं होंगे आपको थोड़ी भी दया भावना नहीं आएगी और उसका मेन और किसी कैरेक्टर के साथ उनका कोई लगाव देखने को नहीं मिलेगा सेकंड हाफ जिस तरह से सभी चीज़ों को फ्लैशबैक और रिवील किया जाता है वो सभी चीज़ें टोटली वही रिपीटेड रूटीन और बोरिंग नज़र आती है पहले जिस तरह से फिल्मों का ट्रीटमेंट रहता था ठीक उसी प्रकार का लगता है डायरेक्टर ने जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टीज लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है वहाँ पे ये फिल्म मात खा जाती है क्लाइमेक्स में सत्यदेव कांचराना जिस तरह से अपने आप को बुलडोज करते जिस तरह से सीएम को वो लॉज करते हैं उनके प्लेस में जिस तरह से वो ओपोजिशन के सामने खड़े रह जाते और साथ ही में जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी एस्पेक्ट को देखने में काफ़ी ज़्यादा और टॉप और सीली नजर आते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से फिल्म की कहानी को रूटीन मैनर में दिखाया हुआ है जिस तरह से अभी मैंने बातचीत की है उस तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए उसमें किसी भी प्रकार का स्टोरी में लॉजिक नज़र नहीं आता है इसके अलावा हॉस्टेज ड्रामा जो आपको देखने को मिलता है वो पहले की फिल्मों में देखा होगा वैसा ही महसूस होगा जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें आउटडेटेड और नरेशन बहुत स्पीड में भगाया हो ऐसा नजर आएगा म्यूजिक की बात करें तो सेंडी आदंकी ने ठीक ठाक काम किया हुआ है जहाँ पे उनका बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था गाने बहुत ज़्यादा एवरेज थे प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बेड देखने को मिलता है कैमरा वर्क भी ठीक ठाक था, था उतना कुछ खास नहीं था प्रोडक्शन वैल्यू और बेहतर वे में क्रिएट की जा सकती थी आर्ट डायरेक्शन और बेहतर हो सकता था फिल्म के डायलॉग्स जिस तरह से क्रिएट किए हुए हैं वो स्पेशल मेंशन है फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से डायलॉग्स के ऊपर काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की सो सो देखने को मिलेगी जहाँ पे कई सीन्स जो सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलते हैं उसे आसानी से चॉप आउट किया जा सकता था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गोपी गणेश जिन्होंने इस फिल्म के साथ उतना बेहतरीन काम नहीं किया हुआ है जो फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी उस मुताबिक फिल्म वहाँ पे नहीं पहुँच पाती अप टू द मार्क नहीं हो पाती जहाँ पे जिस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हुए सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था लेकिन सेकंड हाफ उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे जिस तरह से सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है बाद में जिस तरह स्टोरी को अलग अलग एंगल के थ्रू क्रिएट किया जाता है ड्रामा को जिस तरह से सेंटर स्टेज लाया जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ले डूबती है कुल मिला बात करें तो गोड से एक हाफ बेक्ड होस्टेजिश ड्रामा फिल्म है जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया हुआ है जिस वजह से फर्स्ट हाफ डिसेंट लगता है सेकंड हाफ डल लगता है इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती है कुछ जगह पे फिल्म बोर लगती है क्लाइमेक्स में कुछ चीजें सीली लिमेनर में दिखाई हुई है जो आपको पचेगी नहीं तो ओवरऑल सत्यदेव की एक सिंसियर परफॉर्मेंस है उनकी एक सिंसियर और इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है फिल्म के फर्स्ट आपका थोड़ा हॉस्टेज ड्रामा है वो फिल्म के डिसेंट वेनर में कनेक्ट करके रख पाता है वही सारी चीज़ें जो फिल्म के प्रति थोड़ी पॉजिटिव है जिसकी वजह से अगर फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में सत्रह जून दो को रिलीज किया गया था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था ज्यादातर मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था कुछ चीज़ों जो जो अभी मैंने बताई वो रूटीन थी उसी वजह से फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था अदरवाइज स्टोरी आइडिया लोगों को पसंद आया हुआ था फिल्म का स्टोरी आइडिया फिल्म के फर्स्ट हाफ का जो हॉस्टलेज ड्रामा है वो और सत्यदेव कांचराना की इंटेंस और सिंसियर परफॉर्मेंस ये तीन चार चीज़ें जो फिल्म को बनाए रखती है जहाँ पे इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिलते आई एम डी बी करीबन 600 सौ वोट मिले हुए जिसमें 5.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से और इस फिल्म के अब हम बात करें ओ टी राइट्स के ऊपर तो ये फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है उसको काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को भी अच्छी खासी रकम में बेचा गया है फिल्म के इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स को करीबन पाँच करोड़ में बेचा गया था तेलुगू लैंग्वेज के सैटेलाइट और ओ राइट्स जहाँ पे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में दो करोड़ के बीस कर बीस बीस लाख का डील किया हुआ है यानी कि पाँच और दो करोड़ बीस लाख यानी सात करोड़ बीस लाख का फिल्म ने थिएटिकल रिलीज से पहले ही कलेक्ट कर लिया था इस फिल्म के ओ राइट्स से वो थिएटर रिलीज से पहले बेच दिए थे उसके बाद में थिएटर में ये फिल्म थोड़ा डिसेंट वे में सो सो कलेक्शन करके ले गई लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बोले तो प्रॉफिटेबल वेंचर या तो जो जितना पैसा डाला हुआ था वो रिकवर कर लिया था इस फिल्म के सैटेलाइट ओ सॉरी ओटीटी टी टी राइट से उसको नेटफ्लिक्स वालों ने खरीदा हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक महीने के बाद थिएट्रिकल रिलीज के एक महीने के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे विंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन उन्होंने रिलीज किया हुआ था नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप अभी ये फिल्म देखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन या तो वही इंग्लिश सब के साथ देखना पड़ेगा वही वरना इस फिल्म को हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो फिल्म का तेलगू वर्जन नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद, विद सब्सक्रिप्सन इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के राइट्स दो करोड़ बीस लाख में बेचे हुए तो है लेकिन अभी तक किसने खरीदे वो नहीं पता है जहाँ तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो आदित्य मूवीज़ के पास इस फिल्म के हिंदी राइट्स हो सकते हैं अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें किस तरह से डब होगी कब होगा फिल्म का रिलीज़ अगर आदित्य मूवीज़ के पास या कोई भी प्लेटफॉर्म के पास है फिल्म के हिंदी डब वर्जन को पहले सेंसर करवाया जाएगा सॉरी डब करवाया जाएगा उसके बाद सेंसर करवाया जाएगा टीवी प्रीमियर करवाया जाएगा उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तेलुगु लैंग्वेज नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को दो करोड़ बीस लाख में बेचा गया है मोस्ट प्रोबेबली चांस इस फिल्म के राइट्स आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए अब देखते हैं कि किस ओनर के पास इस फिल्म के राइट्स गए हैं जहां पे ये फिल्म आने वाले कुछ समय में डबड करके पहले सेंसर करवाई जाएगी हिंदी वर्जन में उसके बाद टेलीविज़न पे फ्री में अवेलेबल की जाएगी उसके बाद यूट्यूब पर इस फिल्म को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब अवेलेबल की जाएगी तो इस तरह से गोड से फिल्म को हिंदी और तेलुगु वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर मैंने जिस तरह से अभी बताया उस तरह से इस फिल्म को देख पाओगे तो बस गए इस गोड से फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म का हिंदी तेलुगू वर्जन कौन से ओ कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसकी जानकारी दे दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिल चुकी है फिल्म का रिव्यू हो चुका है जहाँ पर स्टोरी एनालिसिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर बातचीत कर दी है साथ ही में मैंने आपको स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बचा बताया हुआ है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रॉपर एनालिसिस हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू